Hi guys, this is Archana and welcome back to my channel. And if you're new here, hi, my name is Archana and I make beauty, fashion, these kind of videos. And soon I'll be starting with food and travel vlogging. So, hello. And today I'll be doing a review of lipsticks which are new in market. Again, I'm sorry. So, अगर मेरे earrings थोड़े awkward लग रहे हो, please मुझे बता देना. Let's talk about the lipsticks that are new in market. These are Wet n Wild lipsticks. These retails for ₹135. मतलब 135 रुपए की lipstick. Can you believe it? By the way, जो लोग नहीं जानते कि मेरे channel पे मैं किस तरह की videos बनाती हूँ, so मैं अभी concentrate कर रही हूँ affordable and ultra affordable category को. But एक time आएगा जब मैं भी high end brands को review करूँगी. Anyways, so अभी मैं फोकस इन्हीं दो तरह की कैटेगरीज में कर रही हूँ. जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा मैं तीनों कैटेगरीज में वीडियो बनाऊंगी, आप सब लोग जानते हैं. तो वेट एंड वाइल्ड जो नहीं जानते, ये विदेशी ब्रांड है, यूएसए में काफ़ी पॉपुलर है एंड इनकी काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, इधर मैंने लिंक किया है अपने सारे वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, प्लीज़ आप जाकर उसको देखिए. मैंने सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है. तो ये लिपस्टिक्स हैं 135 रुपए की. इनमें से एक शेड मैंने अभी पहना हुआ है. आई मस्ट से द लिपस्टिक्स आर क्वाइट मॉइस्चराइजिंग. मतलब अगर आपके लिप्स बहुत चैप्ड रहते हैं तो आप इन कलर्स को पहन सकते हैं. जो फिनिश है इस लिपस्टिक की वो थोड़ी मेटालिक जैसी है. लिपस्टिक्स की बात करें तो आपको इन लिपस्टिक्स में मिलता है 3.6 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, विच आई थिंक इज प्रीटी अमेजिंग. 135 रुपए की लिपस्टिक, वो भी एक काफ़ी रिनाउंड ब्रांड से जो अफोर्डेबल कैटेगरीज में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है. तो मुझे अच्छा लगा कि 135 रुपए की लिपस्टिक में आपको एटलीस्ट 3.6 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है. पैकेजिंग की बात करें तो इनकी जो पैकेजिंग है, ऊपर जो इनका कैप है वो ट्रांसपेरेंट है और नीचे से मैट ब्लैक है जो लिपस्टिक है, जो प्रोडक्ट है. और ये वही रिट्रैक्टेबल या ट्विस्ट करके जो आपका प्रोडक्ट आता था, इस तरह से आपका प्रोडक्ट होता है. सो आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड कि 135 रुपए में आपको इतनी अच्छी पैकेजिंग. पैकेजिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्टर्डी पैकेजिंग है. देखो बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत स्टर्डी पैकेजिंग है. तो पैकेजिंग से आई डोंट हैव एनी इशू. जो लोग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के सर्च में रहते हैं उनके लिए अच्छी लिपस्टिक है, क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, बट इट इज़ ट्रांसफरेबल. ये ट्रांसफ़र करेगी. अगर आप मैट लिपस्टिक्स के फ़ैन हैं एंड आप नहीं चाहते कि आपकी लिपस्टिक ट्रांसफ़र हो, तो देन डोंट गो फॉर दीज काइंड ऑफ लिपस्टिक. लेकिन अगर आपको मॉइस्चराइजिंग और इस तरह की ग्लॉसी फिनिश और मेटालिक फिनिश वाली लिपस्टिक्स पसंद है तो डेफिनेटली आप इन लिपस्टिक्स को खरीद सकते हैं. मैंने सिर्फ 3 कलर खरीदे हैं. एनीवेज, स्टे की बात करें तो ये 3 से 4 घंटे तक रहेंगी. अगर आप कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे तो ये उस चीज़ पर लगेगी डेफिनेटली. तो उस मामले में देखा जाए तो मतलब ट्रांसफ़र होगी, बट 135 रुपए में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ दे दो. तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओके लिपस्टिक है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द स्वॉचेस. लेट्स स्वॉच नोवे पिंक एज वेल, विच आई हैव जस्ट शोन यू. दिस इज आवर सी. टू गेट द एग्जैक्ट इंटेंसिटी यू नीड टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन गेट द ट्रू इंटेंसिटी. सो दिस इज आवर नोवे पिंक लुक्स. This one. Okay, ये नोवे पिंक में मुझे ऐसा लगा कि इसकी एग्जैक्ट इंटेंसिटी को पाने के लिए यू हैव टू रियली अप्लाई इट ट्वाइस टू गेट द एग्जैक्ट इंटेंसिटी ऑफ द कलर. This is how Nouveau Pink looks on my skin. This is not that metallic as compared to the first color. फर्स्ट वन जो मैंने बाली कलर लगाया था, ब्लश बाली, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा मेटालिक नहीं है, विच इज स्ट्रेंज. या दिस इज मोर ऑफ अ ग्लॉसी फिनिश, बट ये मेटालिक तो नहीं है. एंड दिस इज हाउ द कलर लुक्स. ओ बाय द वे, मैं बताना भूल गई, अगर आप इसको लगाकर भी रखेंगे और ये हट भी जाए शाम तक 3-4 घंटे बाद, तो इसका एक स्टेन रहता है हल्का हल्का, जैसे आपने लिप बाम का स्टेन होता है ना हल्का हल्का, वैसा स्टेन रहता है इसका. Mm-hmm.
See, as a stain कह रही हूँ मैं. Now we are going to apply blushing Bali again, जिसकी मैं बात कर रही थी. Let's apply it again. See, to get the exact intensity over here. Over here it is looking quite coral, but it's a nude color. Blushing Bali is a nude color. So this is how blushing Bali looks on my hand. See, blushing Bali is more of a metallic finish. I don't know. इसकी मुझे metallic finish लग रही है. Actually, these lipsticks are quite comfortable to wear. To be very honest, because even if they're glossy, this is how blushing Bali looks on me. If I compare this to Nouveau Pink looks more glossy, and this one looks quite metallic to me. I don't know, yeah, it's looking quite metallic to me. Again, this is the same formula, very glossy, transferring in nature, but will leave a stain. If I'm leaving any point, if I'm skipping any point which I should discuss, just comment down below and I'll tell you what was the perspective of mine. Now we are going to swatch just Garnet. It's looking like a pretty good color, very bold color. Let's swatch it on my hand. Just Garnet. Yeah. देखिए इसमें भी आपको दो बार अप्लाई करना पड़ा, इसमें भी इसमें उतना नहीं करना पड़ा. See, इसमें आपको एग्जैक्ट इंटेंसिटी मिल रही है, इवन इफ यू स्वाइप इट वंस. सो दिस इज हाउ जस्ट Garnet लुक्स ऑन माय लिप्स. अगेन इट्स अ वेरी pretty color. Don't have it. I like this color. It's again a metallic in finish, to be very honest. It is a metallic lipstick, to be honest. But I don't know, this color didn't look metallic, and these two look metallic. I don't know. But this one is also moisturizing. Don't have any issue. So final verdict, guys, these lipsticks are affordable. Very good. Packaging is okay. Not a big fan of the packaging, but in 135 rupees, you cannot ask too many things. The formulation is good. I wouldn't say it's bad. But if you're a fan of matte lipsticks, this is not meant for you. These are metallic in finish. They are moisturizing for your lips. The color range is huge in this one. I only bought 3 colors. I feel that the lighter colors in this range need more application to get the exact intensity of the color. The darker colors don't need that much of application as compared to the lighter colors. So yeah, if I have skipped any of the points, just let me know. And the color stays pretty well on your lips. I have used this twice. Before 2 days, I've applied it on my lips, and it stays for 3 to 4 hours. If you'll drink something, if you'll eat something, it will transfer to that. But even if it will get removed from your lips some or the other way, if you eat something, if you drink something, if you kiss someone and it just gets removed, but it will leave a nice stain on your lips. Even if you remove this lipstick with a makeup remover, it leaves a nice stain which makes your lips look like as if you have applied a lip gloss or a lip balm. जो टिंट आपको एक लिप बाम से मिलता है, it looks like that. So yeah, I hope you guys enjoyed the lip swatches and my review. And if you like this video, what are you doing, guys? Just subscribe to my channel. Don't forget to participate in the giveaway. Bye.